जब थोड़ी आदत पड़ जाएगी ना तो फिर मैं वो कर दूंगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ये बुक में देखोगे ना तो हम क्वेश्चंस क्या होता है टीचर के पढ़ाने का यही कोचिंग पढ़ने का क्या एसेंस है। कोचिंग पढ़ने में दो चीजें होती हैं बीएससी लेवल पर या एमएससी लेवल पर। ये बच्चे एमएससी के थे एमएससी लेवल पे कि आपका प्रॉपर नोट्स बन जाए जिनको आप लिख लिख कर क्योंकि मैथमेटिकल आना है प्लस क्रम से चले कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। कोई इतिहास तो है नहीं कि आप चाहे जहां से याद कर लें तो यहां पर स्टेप्स की आवश्यकता होती है तो वो स्टेप्स फॉर्मेशन कर रहे हैं है ना। तो पहला एक स्टेप हमने ये बनाया कि आपको लैग्रेंजेज इक्वेशन डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से लानी थी तो इसमें एक स्टेप याद करना है एक ये बना दिया। अब संडे को हम उसका प्रूफ कर देंगे ठीक है तो वो तुम्हें और एक आध बार आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे बिना लिखे प्रैक्टिस नहीं करिएगा। लिखोगे अपने आप आपकी आदत में आ जाएगा आप अपने आप करते चले जाओ तो लिख के करिएगा ठीक है। रफ कॉपी लीजिए और उन पर लिख के प्रैक्टिस करिए। देखिए प्रैक्टिस का पेपर है प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 75 में 75 में 60 के ऊपर नंबर जाएंगे 110% मतलब बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। जैसे सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर नीलाक्षी पूछ रहे हैं जरा सा डर बोले लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है जो दिमाग में आ जाए वो बोलो डरो डरो नहीं। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर कब पढ़ा था SHM में पढ़ा था याद करो है ना। तो जब कोई पार्टिकल यही चीजें तुमको आगे ले जाएंगी जब कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है तो उसे हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं जब वो डैम्ड करता है तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं जब वो फोर्स करता है तो ड्राइवन ऑसिलेटर। ये किस सेमेस्टर में पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोग शायद पढ़े नहीं हो फर्स्ट नहीं पढ़े थे ना सेमेस्टर हाँ तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखो ये अलग से लिख लो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा देखिए नाम है जो जैसा काम करेगा उसका वैसा नाम। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो या छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो क्या नाम है आपका स्टूडेंट्स है ना। तो चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स। वैसे ही आप अभी बैंक में हो जाओ तो मैनेजर साहब कहलाओगे MCA कर लो इंजीनियर लोग कहने लगेंगे ठीक है। और आप बढ़िया पोस्ट पे मान लीजिए कहीं पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टीचर हो गए भले वो आप उस समय असिस्टेंट हो पर लोग प्रोफेसर साहब कहेंगे। तो जो वर्क होता है उसी से उसका नाम होता है। तो ये पार्टिकल है या बॉडी है एग्जीक्यूटिंग SHM एग्जीक्यूट कर रही है SHM तो हम उसे क्या कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्स एक्सिस पर ही है तो लीनियर कहलाएगा ठीक है। मतलब जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ठीक है या ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो यहां ये ऑसिलेशन है तो वो क्या कहलाएगा लीनियर हार्मोनिक या हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब कोई पार्टिकल या बॉडी एग्जीक्यूटिंग डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर
डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसे क्या कहते हैं? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। जैसे कोई पार्टिकल है मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, अपोजिट डायरेक्शन, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम ऑसिलेशन कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक, पर ये ऑसिलेशन लगातार कम होती रहती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, मीडियम रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। मतलब ये तो हम आइडियल बोल रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम है, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, अपोजिट डायरेक्शन, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो ये तो एक हम आइडियल बात बोल रहे हैं। पर क्या होता है प्रैक्टिकली, पहले ऑसिलेशन में जितना डिस्प्लेस हुआ दूसरे में कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाए, एक तरफ मिनिमम टू मैक्सिमम को क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, दूसरे में कम होता जाएगा, तीसरे में और कम होता जाएगा, चौथे में और कम होता जाएगा, ठीक है। तो लगातार कम होता रहता है, किसकी वजह से? इस मीडियम के रेजिस्टेंस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो उस ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। फिर तीसरा आ जाइए, पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइवन ऑसिलेटर। तो ये अपने लिए लिख लो, ठीक है। ड्राइवन ऑसिलेटर में जैसे आपने किसी सोर्स से जोड़ दिया तो लगातार वो फोर्स के कारण, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से लगातार बॉडी ऑसिलेट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइवन ऑसिलेटर। जैसे फ्री ऑसिलेशन होता है, ट्यूनिंग फॉर्क लिया, पैड पे मारा, तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है तो वो कहलाता है फ्री ऑसिलेशन। फिर आपने कोई एक्सटर्नल एसी सोर्स, एसी मीन्स सोर्स लगा दिया, अब वो उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से जब कोई पार्टिकल और बॉडी ऑसिलेट करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइवन ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो आज आपका टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब कोई पार्टिकल और बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसे क्या बोलते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो देखिए, ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन is known as harmonic oscillator. A particle or body executing SHM is known as harmonic oscillator. अब देखिए Lagrange's equation क्या पढ़ी, देख लो पीछे Lagrange's equation क्या है? dy dt डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे डॉट डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे बराबर ये है, ठीक है। अब क्यूजे की जगह पर, क्योंकि लीनियर ऑसिलेशन हो रहा है तो x पर है, तो क्यूजे की जगह पर x ले लीजिए, ठीक है। तो आपने ले लिया वी टेकन x, ठीक है, या ऐसे लिखो वी टेकन x qj के प्लेस पर, x qj डॉट की जगह पर x डॉट। भाई लीनियर ऑसिलेशन है तो x पे लीजिए, तो qj की जगह क्या ले लीजिए? x, या qj डॉट की जगह क्या ले लीजिए? x डॉट, ठीक है। अब लगा दीजिए dy dt
डेवर एल अपॉन डेवर एक्स डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। अब यहां पर डी वाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर एक्स डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर एक्स बराबर जीरो। अब देखिए हमने ये मान लिया, एक एग्जांपल ले लिया थोड़ा अच्छा लगेगा। एक हमने ये रिजिड एंड लिया, ये एम मास का ऐसा हॉरिजेंटल सिंपल पेंडुलम ले लिया है, ठीक है। इसकी लेंथ एल है, मास एम है, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक है। तो देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एफ लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट एक्स, जब बराबर करोगे तो के आएगा, के फोर्स कांस्टेंट। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट के है आपका फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। भाई यहां की स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट की है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर, ठीक है, वी बराबर जीरो टू एक्स एफ डी एक्स, जीरो टू एक्स एफ डी एफ। वर्क वर्क जो होता है कंजर्व्ड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। अब डब्ल्यू लेना है, डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, टोटल वर्क डन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स कहां से कहां तक, जीरो टू एक्स। तो ये वर्क डन है, तो जो वर्क डन है वही कंजर्व्ड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो v बराबर माइनस w और dw का किया, w आ गया जीरो टू एक्स, ये लिख दिया। अब यहां पर माइनस इसलिए लगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो माइनस आएगा, मालूम है ना। अब ये f की वैल्यू रख दीजिए, जीरो टू एक्स f की वैल्यू माइनस के एक्स डी एक्स कर दिया, एक्स एक्स डी एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू। तो वी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर तुमको याद हो तो ये भी डायरेक्ट भी यूज की जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ी है, v बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v का मतलब x डॉट का स्क्वायर, हाफ x डॉट का स्क्वायर कर डालिए जल्दी से, ठीक है।